और देहरादून से बड़ी खबर है, आयुष परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक आज है। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। इन्वेस्टर समिट के दौरान हुए निवेश को लेकर होगी बातचीत। निवेश की ग्राउंडिंग को लेकर अधिकारियों को दिए जाएंगे दिशा निर्देश। जनसुविधा परिवहन सेवाओं समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। बैठक में शासन के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो आयुष और परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक आज है। जनसुविधा परिवहन सेवाओं समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। बैठक में शासन के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आयुष और परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक है। इन्वेस्टर समिट के दौरान हुए निवेश को लेकर होगी बातचीत। निवेश की ग्राउंडिंग को लेकर अधिकारियों को दिए जाएंगे दिशा निर्देश। जनसुविधा परिवहन सेवाओं समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। बैठक में शासन के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बता दें, आयुष और परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक आज है। देहरादून से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। अभी कैंतुरा सीधे देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी ये बैठक कब होने जा रही है, क्या जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई आपके पास? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस समय सचिवालय में ही मौजूद है। अब से कुछ देर में ये कह सकते हैं कि 5 से 10 मिनट के भीतर ये समीक्षा बैठक शुरू होगी, जिसमें परिवहन और आयुष विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। परिवहन में किस प्रकार से काम बेहतर आगे किया जा सकता है, सुविधाएं किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में और बेहतर यातायात की जा सकती है, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। जो परिवहन कर्मचारियों की जो मांगे हैं, यानी जो निगम कर्मचारी जो लगातार लंबे समय से नए बस बेड़े की जो मांग यहां पर कर रहे हैं, उससे सरकार किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो विकास के काम राज्य भर में होने हैं, उन विकास के कामों में किसी प्रकार से कोई अड़चन ना आए, इसलिए लगातार जो कर्मचारियों की जो मांगे हैं, उन मांगों पर शासन के अधिकारियों को गंभीर रहने, समस्याओं का निदान करने के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा आयुष विभाग की बड़ी बैठक, समीक्षा बैठक भी यहाँ पर होगी। मुख्यमंत्री की तरफ से आयुष विभाग की समीक्षा बैठक की जाएगी। जो पिछले दिनों जो इन्वेस्टर समिट के दौरान जो निवेश राज्य में हुए हैं आयुष के क्षेत्र में, 18,000 करोड़ से ज्यादा के जो निवेश हुए हैं, उस निवेश की ग्राउंडिंग किस प्रकार से की जा रही है, कैसे उत्तराखंड राज्य में आगामी दिनों में आयुष के क्षेत्र में और बेहतर यहाँ पर काम किया जा सकता है, राज्य के जो युवा हैं उन युवाओं को आयुष के सेक्टर से किस प्रकार से लाभान्वित किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर इस समीक्षा बैठक में बातचीत होगी। मुख्यमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश यहाँ पर अधिकारियों को दिए जाएंगे कि राज्य में किस प्रकार से आयुष और वेलनेस के सेक्टर में काम यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड का जो ग्रामीण क्षेत्र है या जो दूर क्षेत्र में जहाँ पर आयुष की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं, उन क्षेत्रों में किस प्रकार से आयुष को और वहाँ पर बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो युवा है वो इस आयुष का लाभ यहाँ पर ले सके, आयुष के सेक्टर के जरिए अपनी जो आर्थिकी या जो रोजगार है उसको आगे बढ़ा सके। उत्तराखंड राज्य आयुष के सेक्टर में कैसे देश के अन्य राज्यों से आगे निकल सकता है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में प्राकृतिक जो संपदाएं हैं उनमें आयुष का सबसे बड़ा सेक्टर है, कि जिसके इस्तेमाल से, जिसके प्रयोग से आयुष के क्षेत्र में और बेहतर काम यहाँ पर किया जा सकता है, तो उसको लेकर इस समीक्षा बैठक में बातचीत होगी और मुख्यमंत्री की तरफ से विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जाएंगे। शासन के आला अधिकारी इस बैठक में रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड सरकार का जो लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड का जो पर्यटन या दूसरी जो तीर्थाटन की जो अभी तक की जो छवि रही है, उस छवि से बाहर निकलना है और राज्य को हर सेक्टर में मजबूत करना है, हर सेक्टर में विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है। जी, जनसुविधा परिवहन समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है, उच्च अधिकारी भी इसमें मौजूद रह सकते हैं, कौन कौन से अधिकारी शामिल होंगे इस बैठक में? जी बिल्कुल, आयुष के जो सचिव होंगे वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, अपर मुख्य सचिव इस बैठक में मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री की तरफ से जो विभाग अध्यक्ष हैं उनको भी इस समीक्षा बैठक के लिए यहाँ पर बुलाया गया। सबसे बड़ी बात ये है कि विभागों की तरफ से क्या कुछ कार्य योजना बनाई गई है, यानी 2025 का जो लक्ष्य धामी सरकार ने चुना, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसमें सर्वांगीण विकास की जो बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की, उस सर्वांगीण विकास को कैसे आमजन तक पहुंचाया जा सकता है, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। मुख्यमंत्री की तरफ से कोशिश की जा रही है कि राज्य का जो युवा है वो युवा स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सके, उसके लिए जरूरी है कि जो आयुष का जो सेक्टर है वो हर ग्रामीण स्तर पर या पंचायत स्तर पर पहुंच सके, ताकि युवाओं को उसकी जानकारी यहाँ पर बेहतर तरीके से मिल सके और आयुष के दिशा में भी काम यहाँ पर कर सके। राज्य सरकार की कोशिश यही है कि जो उत्तराखंड के जो आयुष सेक्टर हैं, यानी जो अक्सर जो दक्षिण भारत की तरफ जो आयुष की जो बातें कही जाती है, आयुष सेक्टर को जो मजबूत बताया जाता है, उसकी यहाँ पर किस प्रकार से आगे उसको बढ़ाया जा सकता है, यहाँ पर कैसे आयुष के सेक्टर और स्थापित यहाँ पर किया जा सकता है, आयुष का जो निवेश हुआ
जिसमें निवेशकों ने उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में या जो पर्वतीय क्षेत्र खासतौर पर जो हिल स्टेशन है जहाँ पर विकास की संभावनाएं ज्यादा है उन जगहों पर आयुष के सेंटर खोलने की बात यहाँ पर कही है, तो उसमें कैसे और बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। साथ ही उत्तराखंड का जो पहाड़ी जो क्षेत्र है उस पहाड़ी क्षेत्र में आवागमन का यानी यातायात का जो मुख्य साधन है उस साधन को कैसे वहाँ पर और बेहतर तरीके से दिया जा सकता है, क्योंकि चारधाम के अलावा जो नए डेस्टिनेशन सरकार के तरफ से विकसित किए जा रहे हैं, पर्यटन विभाग जिनको लेकर अपनी कार्य योजना बना रहा है, उन डेस्टिनेशनों तक कैसे यातायात की सुविधाएं बेहतर दी जा सकती है उसको लेकर भी बातचीत यहां पर होगी। तो कह सकते हैं कि विभाग के दोनों ही विभागों के उच्चाधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री की तरफ से पहले समीक्षा की जाएगी और उसके बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे ताकि राज्य में विकास की जो रफ्तार है वो तेज गति से आगे बढ़ सके। जी तो क्या अभी जो JS समिट में जितने निवेश हुए हैं उसके ग्राउंड पे कितने काम किए हैं इसको लेकर भी इसमें चर्चा संभव है और निर्देश भी दिए जा सकते हैं अधिकारियों को क्या? बिल्कुल, आयुष के क्षेत्र में जो 18,000 करोड़ से ज्यादा के जो MOU साइन हुए हैं जिसमें से कह सकते हैं कि लगभग अभी तक 4,000 करोड़ की ग्राउंडिंग की जो तैयारी है वो विभाग के तरफ से की जा चुके, लेकिन आगामी दिनों में यानी जो 18,000 करोड़ से ज्यादा के जो निवेश हुए हैं जिसमें से अभी 15,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की ग्राउंडिंग होना बाकी है उसको लेकर विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारी की जा रही है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री यहाँ पर विभागीय अधिकारियों से बातचीत यहाँ पर करेंगे। जो प्लानिंग विभाग की तरफ से की गई है उस प्लानिंग की समीक्षा यहाँ पर की जाएगी कि किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में आयुष का जो सेक्टर है वो अभी तक उस प्रकार से विकसित नहीं हो पाए जिससे राज्य का जो वन संपदा या राज्य के जो प्राकृतिक संपदा है उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए उस दिशा में भी बढ़ाने के लिए कहा गया। साथ ही रोजगार किस प्रकार से सृजित किया जा सकते हैं, राज्य के जो युवा है जो सेक्टर में आगे आना चाहते हैं उनको किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जा सकता है, कैसे इस आयुष के सेक्टर को वो लोग अपना सकते हैं, जो ग्रामीण स्तर पर जो क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र है वो कैसे इस आयुष की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी और जो विभाग की ये रणनीति है उस रणनीति की समीक्षा होगी और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जी तो तकरीबन 1 महीना हो चुका है JS समिट हुए, क्या अभी ग्राउंड पे कोई भी कार्य शुरू हुआ है, होना बाकी है, अगर हो चुका है तो कितना हुआ है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि लगभग 4,000 करोड़ की जो ग्राउंडिंग अभी तक आयुष के सेक्टर में हुई है उस ग्राउंडिंग में अभी तक के क्या कुछ प्रोग्रेस रही है उसकी समीक्षा आज यहाँ पर होगी। मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं कि राज्य का जो सेक्टर है, राज्य के जो विकास के जो सेक्टर है उन सेक्टरों से राज्य की जनता को लाभ मिल सके, कोशिश यही है धामी सरकार की कि राज्य के हर सेक्टर में चौमुखी विकास हो, राज्य सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़ सके ताकि 25 तक उत्तराखंड राज्य अपना उस लक्ष्य को पा सके जिसमें उत्तराखंड राज्य को 2025 तक विकसित राज्यों की श्रेणी में सुधार करना है। यानी जो विभाग ने जो ग्राउंडिंग का जो लक्ष्य अभी तक रखा है उस ग्राउंडिंग को धरातल पर कितना उतारा गया, उसके लिए कौन सी ऐसी अभी तक की जो समस्याएं जो विभाग के सामने आई है उनको किस प्रकार से दूर किया जा रहा है और आगे जो MOU हुए हैं उन MOU को भी कैसे धरातल पर उतारेंगे उसको लेकर समीक्षा होगी। जी